आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सो चलिए इसको समझते हैं। पहले हमको ये जो दो वर्ड है, पॉलिसी एंड नॉन अलाइनमेंट, उसको समझना पड़ेगा। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नियम, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन अगर हम अपने देश में लागू करवाना चाहते हैं एंड कुछ भी नियम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिसी। एंड नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जनरली जब कोल्ड वॉर का पीरियड था, आपने बुक वन में पढ़ा होगा, आपका जो पीरियड था 1945 से 1990 तक, उस पीरियड को कोल्ड वॉर का पीरियड कहते हैं। क्यों कहते? क्योंकि उस समय पे पूरा वर्ल्ड को दो भाग में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, USA एंड दूसरा था USSR, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में हमको जो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जिसके पास खुद का उतना पावर नहीं था, डेवलप नहीं था, तो वो लोग क्या करते, एक नया कमिटी बनाते हैं, और आप कह सकते हैं एक नया ग्रुप ऑफ कंट्री बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइंड कंट्री और नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। सो ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, उसका भारत के साथ क्या रिश्ता है, वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करता है, वो सब कुछ आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है एंड अपने क्लास 12 के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, पहले बताया गया है इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। मतलब इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला वो कोई छुपके छुपा के नहीं मिला। हमारे बहुत सारे हीरोज़, आप कह सकते हो हमारे बहुत सारे हीरोज़ लाइक भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुखदेव, उसके बाद झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने देश के आज़ादी के लिए शहीद हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपना जान दाव पे रख दिया एंड अपने जान देश के नाम कर दिया। हमारा भारत देश का जो इंडिपेंडेंस प्रोसेस था वो कोई आइसोलेटेड प्रोसेस तो नहीं था, वो कोई छुपके छुपाने वाला चीज़ तो एकदम ही नहीं था। इसमें क्या होता है, हमारा जो भारत देश था वो ऑलवेज कॉलोनियलिज्म, मतलब कोई एक देश दूसरे देश पर आके कॉलोनी बना रहा है। लाइक जैसे कि जो यूरोप था, यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन, वो क्या कर रहा था, भारत में जो कॉलोनीज बना रहा था, वो ऑब्वियसली भारत इसको ऑलवेज क्या करते रहा, इसका ऑपोजिशन में रहा, भारत इसको एकदम पसंद नहीं करता था, ठीक है। इससे क्या होता है जनरली, देखिए इसके वजह से भारत जैसे और भी बहुत सारे देश जिसमें क्या होने लगा, मूवमेंट शुरू हुआ। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लीडर्स थे, हमारे बहुत सारा मूवमेंट किया, बहुत सारे मूवमेंट, लाइक आप कह सकते हो 1857 का वार हो गया, सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, ऐसे अदर कंट्रीज में भी जो ब्रिटिशर्स थे और भी अदर जो कंट्रीज उस पर राज कर रहे थे उसके अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ये जो भारत था वो क्या करता है, ए क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। एक इंडियन नेशनल आर्मी, आपने सुना होगा जो हमारे महान लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके लीडरशिप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे किया गया था। एंड ऑब्वियसली उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में और भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि जो कोई भी देश का जो एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फैक्टर बहुत डिपेंड करता है उसके फॉरेन पॉलिसी शेप के लिए। एक्सटर्नली देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था USA का ब्लॉक एंड दूसरा था USSR का ब्लॉक। इस सिचुएशन में तो जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो भी जिस कंट्री को भी नया नया इंडिपेंडेंट मिला, वो किसी भी देश के साथ अपना अपना रिश्ता अच्छा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो किसी एक के साथ रिश्ता अच्छा करते जाता है तो दूसरा खराब हो जाएगा। इस सिचुएशन में भारत ने डिसाइड किया कि ये जो नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी है वो ये अडॉप्ट करेगा। आपका नेक्स्ट जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो है नेहरूज रोल। अब नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे एंड प्रथम आप कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर थे। नेहरू जी का क्या रोल था भारत के जो विदेश नीति था, भारत की विदेश नीति बनाने में नेहरू जी का क्या रोल था, मैं क्लास के लेक्चर के वक्त ही बता दूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ये जो नेहरू जी का रोल है उस पर एक ना एक क्वेश्चन तो CBSE वाले पूछते ही है। नेहरू जी के रोल को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, अगर आप अच्छे से समझते हो तो आप ये एग्जाम में लिख पाओगे। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नेहरू जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारत देश का फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे, उसके साथ वो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। नेहरू जी के अकॉर्डिंग हमारे देश में 3 टाइप का मेन मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी का। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है हार्ड अर्नड सोवरेनिटी, सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीनों चीज़ों को समझते हैं। हार्ड एंड सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है,
सॉवरेनिटी का मतलब होता है हम जिस भी एरिया में रहते हैं, हमारा देश का जो एरिया है वो हमारा एरिया है, इसमें कोई बाहर का आदमी दखलंदाजी नहीं कर सकता है, कोई हमारे देश के सॉवरेनिटी को तोड़ नहीं सकता है। ये हमारा है, इस पर हमारे देश के लोग ही राज करेगा। कोई भी टेरिटरी है, इस पर हमारा देश का लोग ही राज करेगा। चलो कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा भारत देश है, इस पर कोई अमेरिका से आके यहाँ का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, यूएसए से आके कोई यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अफ्रीका से आके यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो भारत का आदमी होना चाहिए। अब वो गुजरात से हो सकता है, अब वो बंगाल से हो सकता है, अब वो नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है, अब वो कश्मीर कन्याकुमारी कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। सो ये कहता है हमारा सॉवरेनिटी, मतलब हमारे देश का जो रूलिंग है वो हमारे देश के लोग ही करेंगे। तो ये था पहला फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। सेकंड फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब हमारे देश का जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंट्री है, ये हमारे अंडर रहेगा, इस पर कोई बाहर का कंट्री कोई कुछ नहीं कर सकता है, इस पर बाहर का कंट्री कोई लॉ नहीं बना सकता है, इस पर बाहर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। ये हमारे देश का पार्ट है, ये हमारे देश का टेरिटोरी है। सो आप हमारे देश के टेरिटरी को कुछ भी करने का कोशिश मत कीजिए। थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। वो हमारे देश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कंट्री एक फॉरेन पॉलिसी जब शेप करता है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि अगर देश अगर ग्रोथ होगा, देश अगर बढ़ेगा, तो आप क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि उस देश के जो एक अच्छा डेवलप्ड होगा, तभी उस देश का रिश्ता दूसरे देश के साथ अच्छा होगा। क्योंकि आज सो नेहरू जी का ये मेन तीन ऑब्जेक्टिव था, किसको लेके, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी शेपिंग था इसको लेके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। टू कैंप्स मतलब मैंने जैसे कि बोला है, एक था यूएसए वाला लीड, दूसरा था आपका यूएसएसआर वाला ग्रुप। सो इन दोनों ग्रुप से भारत ने पहले ही सोच लिया था कि हमको यूएसए के साथ जाना है ना हमको यूएसएसआर के साथ जाना है, हमको दोनों अलायंस के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। मतलब हमको जो कंट्रीज़ यूएसए वाले ग्रुप में हैं, जो कंट्रीज़ यूएसएसआर वाले ग्रुप में हैं, दोनों कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। इसके लिए हम ना इसको ज्वाइन कर सकते ना उसको ज्वाइन कर सकते। इसलिए नेहरू जी ने क्या सोचा, नेहरू जी ने सोचा कि हम एक नया कम्युनिटी बनाते हैं। एंड नेहरू जी के साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर थे जिन्होंने मिलके एक ग्रुप क्रिएट किया NAM, जिसका नाम है नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि पूरे वर्ल्ड में पीस सिक्योरिटी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। एंड हम ना यूएसए के साथ मिले ना यूएसएसआर के साथ मिले, हम एक अपना खुद का अलायंस क्रिएट करें, ठीक है। बट हमें बहुत टाइम पर देखा गया कि ये जो नेहरू जी थे एंड जो हमारा भारत सरकार था वो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ झुके हुए थे। सोशलिज्म की तरफ झुके हुए थे मतलब यूएसएसआर की तरफ झुके हुए थे। ऐसा बहुत बार देखा गया जब यूएसएसआर ने किसी भी देश पर अटैक किया तब भारत एकदम चुप था। ऑन द अदर हैंड जब यूएसए ने किसी पर अटैक किया तो भारत क्या कर रहा था, भारत उस पर बहुत ही अगेंस्ट से बोल रहा था। सो एट दिस सिचुएशन वी कैन से दैट जो हमारा नेहरू जी था वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जब वो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ झुके हुए थे। सो इस पर भी हमें ऐसा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे उनको लगा था नेहरू जी का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा यूएसएसआर की तरफ है। बट फाइनली नेहरू जी ने क्या किया, उस पीरियड में जो नाम ज्वाइन किया था, नाम का क्रिएशन किया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से भारत एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में ऐड होते हैं, ना किसी का दुश्मन बनते हैं ना किसी का दोस्त बनते हैं, ना ही किसी भी अलायंस का दुश्मन बनते हैं, सबका दोस्त बनने का प्रचेष्टा करते हैं। देखिए उस वक्त जो पाकिस्तान था हमारा नाइबरिंग कंट्रीज़, उसने क्या किया, यूएसए का जो लीड यूएसए का जो ग्रुप था नाटो उसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। एंड पूरा यूएसएसआर मतलब रशिया वाले ग्रुप को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया था। एक्शन पे जो यूएसए था वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, बट हमको किसी भी अलायंस की तरफ से हेल्प नहीं मिल रहा था, हमको अपना खुद करना पड़ रहा था, मतलब भारत देश को। अभी देखिए अब हम डिस्कस करेंगे एफ्रो एशियन यूनिटी, मतलब एशिया एंड अफ्रीका के अंदर जो यूनिटी है, रिलेशन है, वो कैसे सुधरा, क्या हुआ ऑल एंड ऑल। देखिए यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे कि नाम जो क्रिएट हुआ था कौन से कॉन्फ्रेंस के तहत क्रिएट हुआ था ऑल एंड ऑल दिस थिंग। अच्छा अब देखिए जो एशिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड आप कह सकते हो अफ्रीका भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। मतलब पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये दोनों कंटिनेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इन दोनों कंटिनेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था फॉर द क्रिएशन ऑफ नाम। 1940s, 1950s में बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे नेहरू एंड अदर जो लीडरशिप्स थे उन्होंने नाम के बारे में बोला था, एंड बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी हुए थे। स्पेशली यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का बात किया गया है जिसमें इंडिया कन्वर्टेड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन, एंड यहाँ पे देखो 1947 में इंडिया ने क्या किया, एक एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था जिसमें 5 मंथ्स इंडिपेंडेंस के पहले ज्वाइन किया था।
पूरे वर्ल्ड में जो एशिया था एंड अफ्रीका था उसके मैक्सिमम जो कंट्रीज थे वो कॉलोनियलिज्म के अंडर थे, मतलब कोई ब्रिटिशर्स या कोई स्पेनिश कंपनी या कोई स्पेनिश कंट्री के अंडर था, एक कॉलोनी था, ठीक है। तो जिसको हमने हटाया एंड अपना एक खुद का चीज़ चाहिए था, जिसके लिए हमने नाम एस्टेब्लिश किया। ये जो नाम था इसका मेन नीव 1955 में रखा जा चुका था। एंड जो ये एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस है फॉर द फर्स्ट टाइम वो इंडोनेशिया में हुआ था 1955 में, ओके, जिसको हम बेंगदुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। देखो ये इंडोनेशिया के बेंगदुंग शहर में हुआ था 1955 में, जिसको हम बेंगदुंग कॉन्फ्रेंस के नाम में जानते हैं। एंड इसमें हमने नाम के बारे में डिस्कस किया था। एंड फाइनली 1961 में नाम क्रिएट हो गया। कहाँ पे क्रिएट हुआ? एक बेलग्रेड नाम का जगह है, उस जगह पे फर्स्ट मीटिंग था वहाँ पे क्रिएट हुआ एंड नाम का फाउंडेशन रखा गया था। एंड इसमें से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर थे, आप कह सकते हो फाउंडर मेंबर थे नाम का। सो इसमें हमने जाना कि अफ्रीका का एंड एशिया का जो यूनिटी था वो क्या था, कैसे हुआ, ऑल एंड ऑल। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है आप हमको मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वेरी गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।